दोस्तों आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको हर जगह दीवार पे मतलब फोटो फोटो दिखेगा गांधी जी का और भी बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर है। आप मेरे पीछे देख सकते हो ना, इसमें गांधी जी, महात्मा गांधी जी खाना खाते थे। ये उस समय का सीन है जब महात्मा गांधी जी को गोली मारा गया था आजादी के बाद। हेलो जी, हेलो, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज हम आए बापू के घर पे, महात्मा गांधी जिनको बोलते हैं, आज हम उनके घर पे आए उनसे मिलने के लिए। बहुत तेज हो रहे हैं। नहीं, बापू तो रहे नहीं, बट हाँ उनके घर पे हम लोग चलते हैं, उनका घर देखेंगे कैसा है। हम लोग आए मुंबई में ग्रैंड रोड जहाँ पे उनका घर है। वैसे तो बापू का बहुत सारा घर है, दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, बट जो मुंबई में घर था ना 1970 से लेकर 1934 तक ये बापू यहाँ पे रहा करते थे मुंबई में। और एक बात दोस्तों, उनका जो अभी घर है ना मुंबई का, तो उसे अब म्यूजियम बना दिया खास कर, तो म्यूजियम के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए, विजिट करते हैं, तो अभी एक हिस्टोरिकल प्लेस वो भी हो गया मतलब। तो चलो फिर जाके अंदर देखते हैं क्या क्या कीमती कीमती चीज़ है, क्या क्या इंग्लिश मेरी कच्ची है मतलब, ऐसा डायरेक्ट बोल सकते क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ है। तो चलो फिर जाके देखते हैं, और कुछ अच्छा चीज़ रहा तो हम लोग चोरी कर लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बापू के घर पे पहुंच गए हैं। मेरे सामने ये उनका घर, तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये है बापू का घर, महात्मा गांधी जी का घर, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पुराना है इसको रिनोवेशन नहीं किया है। तो ये देखिए, आप जब आओगे तब आपको ये पहले एंट्री में यही दिख जाएगा। तो अभी जाके अंदर से देखते हैं अंदर से कैसा दिखेगा, मैंने भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ वीडियो में देखा था, तो अंदर जाके देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइस ये है एंट्री, यहाँ पे उनका चर्च स्टार्टिंग में ही दरवाजे के सामने आपको मिले। और गाइस ये उनके घर का नाम है मनी भवन, जो मुंबई में है ग्रैंड रोड, तो आपको भी आना रहेगा तो आप आ सकते हो। तो आई थिंक मेरे को लगता है अंदर जाने के लिए 20 रुपये लेते हैं। तो गाइस ये है एंट्री, हम लोग अंदर आ चुके हैं। और ये देखिए 20 रुपये का टिकट, असल में पहले नहीं लिया था, सिर्फ पहले टूरिस्ट के लिए था, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद से सबको लिए 20 रुपये अलाउ कर दिया है। तो अभी चलते हैं घूमते देखते हैं क्या है अंदर। गाइस इसी जगह पे जरूर आना चाहिए यार, नॉलेज बढ़ता है, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जी है तो बहुत कुछ पता चलता है यार। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आके बुक्स भी पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, और यहाँ पे आप वीडियो फोटो सब ले सकते हैं। उनको मैंने पूछ लिया था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल अलाउड है। तो चलो फिर देखते हैं, अभी हमको बुक तो नहीं पढ़ना है, लेकिन देखते हैं अगर कुछ अच्छा बुक मिला तो लेके तो नहीं जा सकते, मैंने पूछा था, बुक तो नहीं, सिर्फ पढ़ के यहाँ पे रख सकते। जैसे वहाँ पे भी 2-3 लोग पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं भी आज़ादी के लिए मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं भी तलवार लेके अंग्रेजों के सामने खड़ा हो जाऊँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एंट्री करोगे वहाँ से आप डायरेक्ट आप सामने आओगे, यहाँ पे बापू जी का मूर्ति दिखेगा आपको। जब आप एंट्री करोगे यहाँ नीचे की तरफ, तो मोस्टली आपको लाइब्रेरी दिखेगा। तो अभी यहाँ पे ऊपर भी जाते हैं, ऊपर भी 1 या 2 फ्लोर है, तो ऊपर भी जाके देखते हैं क्या क्या है। आई थिंक ऊपर ही मेन चीज़ है, यहाँ पे तो आपको नीचे से बुक्स और लाइब्रेरी मिल जाएगा जो हम पढ़ते नहीं है। तो अभी चलते ऊपर की तरफ, सीढ़ी भी मेरे घर से महंगी दिख रही है। तो आप यहाँ पे सीढ़ी पे आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फोटोज दिखेंगे, ठीक है। काश उस वक्त मैं भी युद्ध में लड़ा होता, मेरा भी आज यहाँ पे फोटो होता, मेरा भी नाम होता फ्रीडम फाइटर अनुराग यादव, ब्रिटिश को मारने वाला और मार खाने वाला। तो ये गाइस हम लोग आए फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आके एक गली में यहाँ पे भी बापू जी, तो गली में आ गए और वहाँ पे सामने तो ऑफिस है, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, तो चलो यहाँ पे घूमते। आप ये जो मेरे पीछे कपड़े देख रहे हो ना, तो ये
पुराने जमाने के जो है ना बापूजी मतलब सब लोग पहनते थे फिर, तो उस टाइप के है। और आपको नॉर्मल कपड़े भी यहाँ पे आओगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पैसे लगते हैं ऊपर आके, तो आपको पैसे देना पड़ेगा। तो चलो फिर अच्छा लग रहा है यार, मतलब यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ तो पुण्य का काम किया इतने सालों के बाद। यहाँ पे आओगे ना तो आपको हर जगह दीवार पे मतलब फोटो दिखेगा गांधी जी का, और भी बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर है तो उनका भी हर जगह, मेरा आप पीछे देख सकते हो पूरा उनका फ्रेम लगा हुआ है, तो हर दीवार पे कोने कोने फोटो लगेगा। बस गाइस इतना सपोर्ट करो कि मेरा भी फोटो हर रोड पे लगे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। गाइस अभी चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग घूम लिया तो अब सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पे भी आप आओगे ना आपको दीवार पे पूरे सारे सब जगह पे आपको यहाँ पे पेंटिंग फ्रेम्स देखने मिल जाएंगे, हर दीवार पे आपको फ्रेम लगा है। और ये देखो हमसे भी तेज हमारा वो कैमरा, देखो ऊपर ऊपर छुप के बैठा है ताकि बराबर नजर रखे हम लोग के जैसे। लोग आ गए सेकंड फ्लोर पे और सामने बापू जी का फोटो, ये आई थिंक ऑफिस है। आइस मजेदार चीज़ मिले, अंदर चलते हैं अंदर जहाँ बापूजी बैठ के चरखा चलाते थे ना, तो आइए वहाँ पे जाके चप्पल निकाल दूँ क्या, चप्पल निकाल के जाते गाइस क्या। अरे बाप रे पोपट हो गया गाइस, नो एंट्री, एंट्री नहीं है तो हम लोग बाहर से देखेंगे। ये देखिए गाइस वहाँ पे आपको बापूजी का चरखा दिखता रहेगा। और यार एक बार छू के देखना था कि कैसा है, वहाँ पे बापू जी बैठ के चलाते थे अपना। तो कोई नहीं गाइस मेरे घर पे भी चरखा है लेकिन वो खराब है, बड़ा हरामी हो बेटा। पर यहाँ से अच्छे से दिखेगा आपको गाइस, यहाँ पे ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडियन से आते हैं भाई, बाहर से भी आते हैं मोस्टली। तो अभी मैंने इनसे पूछा तो ये बोले कि कनाडा से है, और भी नीचे एक जन आए थे वो रशिया से है, और मोस्टली तो गुजराती भी आते हैं। मैंने तो अभी तक जहाँ तक देखा कि ज़्यादा मोस्टली पीपल गुजराती के, तो हम भी इंडियन से आ गए हैं। ये बालकनी में, ये है घर का बालकनी, यहाँ से भी अच्छा लग रहा है यार गाइस, मतलब बापू जी लगते यहाँ पे चाय पीते थे। और गाइस एक बात और बोलना चाहता हूँ, आजकल के यूथ है ना बच्चे लोग आज के, तो उनको बिल्कुल नहीं पता कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितने सारे लोग ने सैक्रिफाइस किए, कितने सारे लोग बलिदान हो गए। उनको आजकल के बच्चों, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ कि हमारे एरिया के बच्चे भी को मैं पूछ लूँ ना अभी तो कोई नहीं बोल पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसी जगह आओ, आप लोग को भी मालूम पड़े हिस्टोरिकल प्लेस, कितने सारे लोग ने क्या क्या किया अंग्रेजों से हमको आज़ाद करने के लिए। आप लोग आते नहीं यार, मतलब क्या है आजकल के बच्चों में वो दम ही नहीं है। तो गाइस देखिए मैं आ रहा हूँ ऐसे जगह पे, मैं अच्छा लड़का हूँ तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब भी नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो यार। भाई आप मेरे पीछे देख सकते हो ना, इसमें गांधी जी, महात्मा गांधी जी खाना खाते थे। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये उनका चप्पल हथियार ये सब, तो ये सब है भाई। बापू जी हमारे हमसे मिलने के लिए आए, बापू जी हैं हमारे। तो चलो बापू जी से तो मिल लिए, तभी और भी अंदर है, अंदर और भी मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ पे, तो चलो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या है। और आइए हम लोग अंदर आ चुके हैं, गाइस ये बहुत बड़ा है, मतलब इधर भी है और उस साइड भी, मतलब दो रोज है। तो चलो फिर आपको मैं हर एक चीज़ दिखाता हूँ, हर एक बॉक्स दिखाऊंगा आपको क्या क्या है हर एक बॉक्स के अंदर। तो चलो फिर ध्यान से देखना आप लोग, एक भी मिस मत करना, मिस कर जाओगे तो बापूजी गुस्सा हो जाएंगे, तो ऊपर से आप लोग को गुस्सा करेंगे, तो इसके लिए छोड़ वीडियो मत बंद करना, पूरा देखना वीडियो। और एक बात गाइज, अगर आपको ये सब पढ़ना रहता है
अगर आपको ये सब पढ़ना होगा ना तो आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हो। अगर मैं बहुत देर तक रुकूंगा तो बहुत वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए आप स्टॉप करके पढ़ लेना। अगर आपको पढ़ना रहेगा तो मैं आपको बाकी सब दिखाता हूँ वीडियो। ये शहीद हुए हैं गाइस, ये जो बॉक्स के नीचे लिखा है ना, तो आपको आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा किस लिए लिखा है और क्या क्या हुआ है उस दिन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रेम किसके ऊपर। गाइस बापूजी दिख गए हमको, महात्मा गांधी जी को जलाया जा रहा है उस समय का टाइम। गाइस ये उस समय का है जब आजादी, मतलब जब मोर्चा निकाला था हिंदू छोड़ो ब्रिटिश, तो उस समय का टाइम है ये। अंग्रेजों को बोला जा रहा था भारत छोड़ो भारत छोड़ो, तो उस समय का। गाइस ये उस समय का है जब बापूजी की मतलब महात्मा गांधी जी की वाइफ का डेथ हुआ था। गाइस ये उस समय का सीन है जब महात्मा गांधी जी को गोली मारा गया था आज़ादी के बाद। गाइस और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, आप लोग भी आओ बहुत अच्छा लगा। जब मैं सूरत में आया था मेरे को नहीं लगा था कि इतना मतलब वो अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई जब पहला ऊपर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आया ना भाई, यहाँ पे आप जो जो चीज़ देखोगे ना इतना मतलब पुरानी चीज़ है, और आपको नॉलेज भी बढ़ेगा कि हाँ ये सब हुआ था यहाँ पे, हर जगह सब कुछ लिखा है इंफॉर्मेशन, तो आप आओगे आपको ज़रूर पता चलेगा। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे इंडियन से ज़्यादा तो बाहर के लोग आ रहे हैं, रशियन कैनेडर बाहर से मतलब अंग्रेज लोग ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, तो गाइस आप लोग भी आओ यार। गाइस हम लोग आए थे थर्ड फ्लोर पे, तो थर्ड फ्लोर बंद है, तो मतलब सिर्फ दो ही फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है। तो मेरे को तो खास कर तो सबसे अच्छा लगा सेकंड फ्लोर पे, जब आप आओगे ना तो आपको बहुत मस्त लगेगा, सेकंड फ्लोर सबसे बेस्ट था। गाइस यहाँ पे इंडियन से ज़्यादा तो बाहर के लोग हैं, रशिया के या टूरिस्ट लोग बाहर से ज़्यादा आते हैं यार, इंडियंस लोग आते ही नहीं है यहाँ पे। मैंने देखा कि जितने अब तक मैं जब से आया जितने लोग को देखा हूँ ना, सब बाहर के लोग ही है, फॉरेन लोग ही है भाई। तो इंडिया वाले क्या कर रहे हो? ऐसे देखो और एक फॉरेन, हम लोग आगे हैं नीचे की तरफ लाइब्रेरी में, और भाई मैं ऐसा चिल्ला रहा हूँ, अंकल मेरे को देख रहे थे। तो मतलब हम लोग एकदम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए लाइब्रेरी वाले में, तो यहाँ पे भी देखते हैं कुछ। मैं सोच रहा हूँ एक दो बुक्स पढ़ के जाते हैं, तो देखते अगर बुक्स पढ़ते हैं नहीं तो फिर निकलेंगे हम लोग बाहर की तरफ। गाइस यहाँ पे असली कमाई तो टूरिस्ट लोग यार, मतलब बाहर के टूरिस्ट लोग को फॉरेन लोग को लेके आओ, और यहाँ पे अच्छी खासी उनको सिर्फ गाइडेंस करो, ये बताओ वो बताओ, और अच्छा खासा मोटा पैसा कमाओ। इस हम लोग मणि भवन के बाहर आ चुके हैं, जैसे कि मणि भवन के बाहर आपको आते ही यही दिखेगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो अभी बाहर तो आ गए, तो अभी बापू के घर को बाय बाय टाटा करने का वक्त आ चुका है गाइस। ये देखिए बापू जी का घर, तो अब इनको अलविदा करते हैं। और गाइस अभी इसको घर नहीं बोल सकते, आप म्यूजियम बना दिया है। पहले घर था जब बापू यहाँ पे रहते थे तब घर था, लेकिन उनके जाने के बाद फिर बाद में जब आज़ादी हुआ तब धीरे धीरे इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। सो गाइस अभी निकल चुके हैं बाहर की तरफ और जा रहे हैं हम लोग स्टेशन पे, ट्रेन पकड़ते हैं। अभी यहाँ से नज़दीकी हमारा स्टेशन ग्रैंड रोड है,
तो चलते फिर स्टेशन पे और निकलेंगे हम लोग घर पे। और इस वक्त गाइस 2:02 हम लोग मतलब 11:30 बजे आ गए थे। हमने लिटरली 2 घंटा हम लोग अंदर ही घर के अंदर ही थे, बस थोड़ा आराम से विजिट किया, वीडियो भी बनाया और अच्छा खासा हमने घर पूरा घर नहीं बोल सकते म्यूजियम पूरा अच्छा टूर किया हमने, अच्छे से देखा। भाई आप लोग मुंबई आते हो मरीन ड्राइव गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ वहाँ जाते हो तो गाइस ऐसी जगह पे भी जरूर आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। तो बाकी सब जय महात्मा गांधी। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर।